सादर प्रणाम। पूरे विश्व में अब योग दिवस मनाया जा रहा है और इसलिए हमें सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि योग जो भारत की एक अद्भुत शक्ति है, हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है, उसको विश्व भर में प्रोत्साहन देकर आज हमारे भारत का एक सॉफ्ट पावर का एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक हिस्सा बन गया है और पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि योग भारत में ही आरंभ हुआ है और भारत में ही हम योग के भक्त हैं। आज मैं माननीय योग गुरु जी को, प्रशासन को, स्वास्थ्य के सर्व पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया और मुझे मालूम है और विश्वास भी है कि आज सिर्फ एक कार्यक्रम हुआ है लेकिन योग जो है वो हजारीबाग की जनता के बीच में एक ऐसा एक अभ्यास है जो बिल्कुल बसा हुआ है। चाहे शाम हो या सुबह, चाहे आप झील की ओर बढ़ें या हमारे क्षेत्र में और सब जो तालाब हैं, घर में जाएं या मोहल्ले में जाएं, सब जगह आज के समय आपको लोग नजर आएंगे जो योग कर रहे हैं। और इसलिए आज एक जो योग दिवस में हम लोगों ने योग अभ्यास किया वो सिर्फ एक प्रतीक है कि किस प्रकार से हमारी जनता, हमारे लोग योग का अब उपयोग कर रहे हैं और वो हम लोगों के लिए रोजमर्रे का एक अभ्यास बन चुका है, एक हम लोगों के लिए आदत बन चुकी है। साथियों, संतुलन के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं रोज योग करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी उम्र हो गई 59। यहाँ आज योग करने वाले और कोई 59 वर्ष के हैं? कोई वही है यहाँ 59 वर्ष वाला? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आज जो हमने यहाँ योग किया, चलिए बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया, जो कम उम्र के युवा थे उन्होंने बहुत अच्छा योग किया, लेकिन एक 59 वर्ष के भी एक व्यक्ति, एक 59 वर्ष का भी व्यक्ति यहाँ योग कर पाया, क्योंकि वो सिर्फ आज नहीं योग करते हैं। मैं सिर्फ आज नहीं योग करता हूँ, मैं रोज योग करता हूँ। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ इसी संदेश के साथ कि सिर्फ योग दिवस पर आप योग को मत याद करिए, रोज रोज याद करिए, रोज रोज करिए, शांति और संतुलन आपको ऐसे ही मिलेगी।